हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद भारमल आपका वेलकम करता हूँ डिफरेंस ट्यूटोरियल में। जो ऑन डिमांड में सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें कुछ दिन पहले एक यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी कि मल्टीपल यूज़र अगर हमें इंसर्ट करने हैं तो कैसे करेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। जो पूरा जो टॉपिक है वो मैं दो वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट वीडियो है वो MySQL में एक्सप्लेन करेगा, जो दूसरा पार्ट है वो MySQL आई में एक्सप्लेन करेगा। MySQL नो डाउट आउटडेटेड हो गया, डेप्रिसिएटेड हो गया, लेकिन आज की डेट में भी कहीं कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, जिसमें MySQL ही फॉलोअप किया जा रहा है। MySQL आई उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। प्रोफेशनली अगर आप फील्ड में जा रहे हैं डेवलपिंग में, तो MySQL आई का ही इस्तेमाल करें, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जो कॉन्सेप्ट है वो अभी के लिए मैंने टाइम बचाने के लिए दो फॉर्म्स ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। उससे पहले हम कौन से टेबल में वर्क करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट डेटा टेबल बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने 5 फील्ड्स लिए हुए हैं। फर्स्ट फील्ड आईडी, नेम, सरनेम, सिटी और लैंग्वेज। जो आईडी फील्ड है वो मैंने प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। वर्क हम कैसे करेंगे, तो ये जो मेरा दूसरा पेज है ये मैं पहले सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स इज अवेलेबल कर दी है कि यूजर को यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन टाइप आउट करके जो कुछ भी है इंसर्ट पे क्लिक करना है, और जो इंसर्ट पे क्लिक करेगा तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसने फिलअप की है वो सभी की सभी टेबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन जो मैंने अभी डिजाइन किया हुआ है ओनली फॉर द सिंगल रिकॉर्ड डिजाइन किया हुआ है। अगर यूजर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक कर इंसर्ट करना चाहता है तो वो डिफरेंट क्वेरी फायर होगी, एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट द सेम क्वेरी इंसर्ट नहीं होगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि यूजर एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे हमारे MySQL के टेबल के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक और एक फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स टू इंसर्ट। अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे फाइल लिख के यहाँ पे डिस्प्ले इनपुट पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे जो सिंगल रिकॉर्ड के जो ऑप्शन अवेलेबल है वो मुझे मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स के अवेलेबल हो जाने चाहिए। सिमिलर टू द माई PHP माई एडमिन हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट 2 के ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे रोज में जाके अगर मैं यहाँ पे मैं 5 सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस 5 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो ठीक वैसा ही मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। जब यूजर एक्शन पे क्लिक करेगा तो हमारा जो सेकंड पेज है, जो जिसमें मैंने नेम, सरनेम, सिटी, लैंग्वेजेस इनपुट करने के लिए फॉर्म ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जहाँ पे नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो इनपुट करेगा उस टेक्स्ट बुक्स का मैंने नाम रखा हुआ है नंबर्स, सबमिट बटन का नाम दिया हुआ है सबमिट, वैल्यू दी हुई है डिस्प्ले इनपुट। यूजर यहाँ पे मान लीजिए कि 10 टाइप करके सबमिट पे जब क्लिक करेगा पेज ओपन हो जाएगा insert2.php। insert2 में अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने सिंपल यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है नेम का, सरनेम का, सिटी का, लैंग्वेज का। अब ये जो ब्लॉक है सिंपल है, हमें लूप में लेने का है। कितनी बार लूप एग्जीक्यूट करवाएंगे, प्रीवियस पेज ने यूजर में अगर 5 एंटर किया है तो ये ब्लॉक 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूजर ने अगर प्रीवियस पेज में 100 लिखवाया है तो ये ब्लॉक 100 बार एग्जीक्यूट होगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर बिफोर स्टार्टिंग द टेबल मैं छोटा सा PHP का कोड ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ, नंबर्स इज इक्वल टू $_POST स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से नंबर्स। जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने नंबर्स लिखे वो कौन से लिखे, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने कोई भी नेम चेंज किया है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे NUM लिखा है, तो यहाँ के ब्रैकेट में आपको लिखना है NUM। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है में लिखा हुआ है वो की है जो एलिमेंट का नेम होगा PHP और HTML में। अब नंबर्स वेरिएबल में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू आई है उतनी टाइम ये हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। किस मुताबिक हम करेंगे, दो बार PHP को स्टार्ट करना ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अब ये ब्लॉक है जो हमारा, यहाँ पे मैं लूप लिखता हूँ फोर आई इक्वल टू वन, सॉरी आई इक्वल टू वन, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू डॉलर नंबर्स।
आई प्लस प्लस, ये पूरा पोर्शन मैं फॉर लूप में ले लेता हूं। अब ये कहां तक लेने का है ये ध्यान में रखने का, हमें सबमिट बटन उसमें नहीं लेना है। अगर सबमिट बटन उसमें हम कवर अप कर देंगे तो क्या होगा, उतनी बार सबमिट बटन भी डिस्प्ले होगा। ये हमारा हो गया ब्लॉक कंप्लीट। अगर यूजर ने यहाँ पे फाइल लिखा है प्रीवियस पेज में तो यह ब्लॉक लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और नेम सरनेम के टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास 5 टाइम्स अवेलेबल हो जाएंगे। बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 लिख के एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं नेम का जो कुछ भी ब्लॉक है 2 टाइम अवेलेबल हो गया है। लेकिन प्रॉपर सेपरेशन के लिए अब मैं क्या करता हूँ, अगर हमें ऐसा करना है तो यहाँ पे हम ब्लैंक tr एक ऐड कर देते हैं और बीच में हम लिख देते हैं स्पेस, जिसकी मदद से एक सेल ब्लैंक क्रिएट हो जाएगा और आप बाइफरकेट कर पाएंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया ब्लैंक सेल क्रिएट हो गया उसमें, तो आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सेकंड रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया, थर्ड रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया। और बढ़िया करना है आपको तो यहाँ पे एक और लिख सकते हैं ब्लॉक ये कॉपी कर देता हूं यहां पे पेस्ट, और ये जो टीडी है उसकी जगह मैं करता आता हूं टीएच, और यहां पे हम लिखते हैं रिकॉर्ड हैज, फिर से पीएचपी स्टार्ट करके इको डॉलर आई, तब क्या होगा आई की अभी वैल्यू है 1 तो रिकॉर्ड 1 बाद में रिकॉर्ड 2 बाद में रिकॉर्ड 3 ऐसा कुछ मुझे आउटपुट में दिखना चाहिए। देख सकते हैं रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2। अब प्रीवियसली हम फिर से उस पेज में जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड 5 इंटर करते हैं, डिस्प्ले इनपुट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रिकॉर्ड्स के बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल हो गए। अब हमें सिंपली यहाँ पे इंफॉर्मेशन टाइप आउट करनी है और लास्ट में जो हमारा बटन है उस पर क्लिक करना है तो सभी रिकॉर्ड हमारे MySQL में स्टोर होने चाहिए। उसका कोड हम कैसे करेंगे तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसमें पीएचपी का कोड लिखता हूँ। सबसे पहले तो MySQL कनेक्ट का जो स्टेटमेंट आता है जिसकी मदद से हम सर्वर को से कनेक्ट हो गए। लोकल जो लिखा हुआ है वो MySQL सर्वर नेम है, नॉट द अपाची सर्वर नेम। रूट उसका यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक है। अगर पासवर्ड ब्लैंक है तो यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी हैबिट है मैं फिर भी ब्लैंक कोड्स करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा डेटाबेस ओपनिंग का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट अंडरस्कोर डीबी का जो फंक्शन है हमारे पास टेस्ट डेटाबेस है वो। अब इतना कर लेते हैं और यहाँ पे इस फाइल का नेम देते हैं 3। इतना करने के बाद अगर हम आगे बढ़ने से पहले इको लिख के प्री टैग में प्रिंट अंडरस्कोर आर और दो पूरे का पूरा अगर हमारा पोस्ट वेरिएबल जो कुछ भी है यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आप शायद आपको मालूम होगा पूरा जो कुछ भी एरे है उसे फॉर्मेटेड में डिस्प्ले करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। मैं सभी में कुछ जंक डेटा सिंपली टाइप कर देता हूँ प्रॉपर के लिए, सॉरी यहाँ पे 111 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 अब यहाँ पे देखिए तो ये सॉरी गलती रह गई है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्म लिखा हुआ है उसमें मैंने एक्शन नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, एक्शन इज इक्वल टू मल्टीपल मल्टीपल इंसर्ट 3। सेव करके मुझे फिर से पूरा का पूरा पेज करना होगा। अब 5 कुछ गलती रह गई है, मैं पेज 1 से ओपन करता हूं पेज 1। यहां पे मैं 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो गए मेरे पास,
अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी, लेकिन मेरे पास जो पोस्ट में डेटा अवेलेबल है ओनली ऑफ अ लास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है। मैंने सपोज 5 रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन फिलअप की है तो मेरे पास 5th रिकॉर्ड जो कुछ भी होगा वही अवेलेबल होगा, सभी इनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी। तो इसके लिए हम मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमें कंपलसरी एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे आके सभी में आपको पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने हैं। ये हो गया मेरा, फिर से पेज 1 में जाके इस प्रोग्राम को मैं रन आउट करता हूं। इस बार फिर से 3, अब यहां पे देख सकते हैं नेम 012, सरनेम 012, सिटी 012 और लैंग्वेज 012, 0000 ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ, 1 1 1 1 ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड होगा। अब कैसे एक्सेस करेंगे, नेम ऑफ 0, सरनेम ऑफ 0, सिटी ऑफ 0, लैंग्वेज ऑफ 0 ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ, नेम ऑफ 2, सरनेम ऑफ 2, सिटी ऑफ 2, लैंग्वेज ऑफ 2 ये हमारा थर्ड रिकॉर्ड हुआ। तो अब हमारे पास सभी डेटा अवेलेबल हो गए हैं इन अ पेज 3। इसे हमें सिर्फ MySQL में प्रॉपरली स्टोर करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हुए हैं उसे हमें काउंट करना है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल काउंट लाइब्रेरी फंक्शन है, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे मैं इको करके दिखाता हूँ, इको काउंट जो हमारा पोस्ट वेरिएबल है उसी में हमारा सभी डेटा अवेलेबल है, और पोस्ट का कोई भी एक की नेम हमें सिंपली यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। मान लीजिए कि नेम हमारे पास कितने अवेलेबल हुए हैं तो ये काउंट करके डिस्प्ले कर देगा, जितने नेम हो गए उतने ही सरनेम होगी, उतने ही लैंग्वेजेस होगी और उतने ही सिटी होगी, यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे आप लूप डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं फॉर द 3 टाइम फॉर इंसर्टिंग द 3 रिकॉर्ड्स। दूसरी जो मैथड है हमारे पास, यहाँ पे हमने जो नंबर्स वेरिएबल है उसी यहाँ पे हम हिडन में स्टोर करवाएंगे, इनपुट टाइप हिडन वैल्यूज इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू नंबर्स फिर से, और ये जो मैंने इको का जो ब्लॉक है कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं और डॉलर आई की जगह पे यहां मैं लिख दूंगा नंबर्स। अब क्या होगा, जितने नंबर्स यहां पे स्टोर हुए फ्रॉम द पेज 1 वो फॉरवर्ड हो गए टू द पेज 3। ये फॉर्म 1 में से फॉर्म 2 में तो आ गया है, लेकिन अब हमें पेज 3 में ट्रांसफर करना है। ये हिडन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यूजर को हमें दिखाना नहीं है कि हम बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा कौन सी वैल्यू सर्वर को पास ऑन कर रहे हैं। रिफ्रेश करता हूं फ्रॉम द पेज 1, उससे पहले मैं भूल गया पेज 3 में इसके साथ ही एक बार और इको लिख देते हैं, और यहां पे इको काउंट की जगह सिंपल लिखेंगे पोस्ट नंबर्स, जो हमने सिंपल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई है वो। सेव करके पेज 1 में मैं जाऊंगा, 2 रिकॉर्ड्स, यहां पे आप देख सकते हैं 2 2 दो बार डिस्प्ले हुआ है। यहां पे नंबर्स वेरिएबल में आ गया 2, यहां पे आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं पोस्ट में 2 जो पहले नहीं था वो अवेलेबल हो गया। दोनों मेथड अवेलेबल है, जनरली मैं प्रीफर करूंगा हिडन मेथड नॉट द काउंट मेथड, तो इसलिए मैं इसे निकाल देता हूं। अब हमारे पास सभी रिकॉर्ड्स की जो कुछ भी वैल्यूज थी अवेलेबल है उसे हमें सिंपली टेबल में स्टोर करना है। कैसे करेंगे, डायरेक्टली यहां पे आप लिख सकते हैं 4i इक्वल टू 1 डॉलर आई लेस देन इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नंबर्स डॉलर आई प्लस प्लस। अब बीच में हमारा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगा इंसर्ट इनटू जो हमारा टेबल नेम है कॉन्टेक्ट, फील्ड्स नेम है हमारे नेम सरनेम सिटी
और लैंग्वेज, ये आइडिया में निकला नहीं है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, डमी डेटा लास्ट में डबल कोटेशन सेमी कॉलन MySQL, यहाँ पे इफ हम लिख सकते हैं, इफ नॉट MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर एस इको MySQL एरर, और यहाँ पे हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने जंक डेटा लिखा हुआ है उसके बदले यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट, फर्स्ट जो है वो मेरा नेम है, लेकिन जो नेम है, सॉरी गलती है मेरी, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोट डबल कोट, ये मेरी पुरानी टेक्निक है, मैंने PHP बेसिक वीडियो में मैंने सिखा दी है। पोस्ट नेम, अब नेम है जो वो टू डायमेंशनल अवेलेबल है, नेम ऑफ जीरो नेम ऑफ वन, तो उसका सेकंड डायमेंशन होगा ऑफ अ लूप वेरिएबल। अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे आई, लेकिन जो गलती हो जाती है वो क्या है, यहां पे एरे स्टार्ट हुआ विथ जीरो लेकिन यहां पे लूप स्टार्ट किया है विथ वन, तो दो आप दो मेथड कर सकते हैं, यहां पे आप माइनस वन लिख दीजिए, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, और या फिर यहां पे आप लिख सकते हैं जीरो और लेस देन इक्वल टू की जगह आप लिख सकते हैं लेस देन। तो यहां पे मैं लिस्ट जीरो से ही स्टार्ट करवाता हूं, बाद में ये जो पोस्ट नेम है और ब्रैकेट में जो कुछ मैंने लिखा है उसे मैं कॉपी कर देता हूं फॉर द अनदर्स वैल्यू, डबल कोट बीच में डॉट डॉट बीच में आके फिर से पेस्ट, और नेम की जगह पे मैं लिखूंगा सर नेम, जंक डेटा जो है उसे पेस्ट, सॉरी डबल कोट बीच में आके डबल डॉट बीच में आके पेस्ट। अब ये हो गया हमारा सिटी, डबल कोट फिर से डॉट डॉट बीच में आके पेस्ट, ये हो गया हमारा लास्ट फिल लैंग्वेज, मुझे तो कोई अभी गलती दिख नहीं रही है। सेव कर दिए के बाद यहाँ पे सिंपली हम रिफ्रेश नहीं कर रहे के, उससे पहले यहाँ पे एल्स इको रिकॉर्ड हैज डबल कोट कंप्लीट डॉट डॉलर आई प्लस वन, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं सेव्ड। अब रिफ्रेश करते हैं, यहां पे रिकॉर्ड वन सेव्ड और रिकॉर्ड टू सेव्ड दोनों मेरे पास मैसेज प्रॉपरली अवेलेबल हो गए हैं। सिंपली यहां पे जाके मुझे ब्राउज में देखना है कि मेरे जो कुछ भी डेटा है, देखिए यहाँ पे 5 और 6 1 2 3 4 मैंने स्टोर कर दिए थे। अब इसी प्रोग्राम को फिर से मैं एग्जीक्यूट करूंगा फ्रॉम द पेज वन, 3 रिकॉर्ड्स मुझे स्टोर करने हैं, फर्स्ट का नेम सेकंड नेम इंसर्ट, रिकॉर्ड वन सेव टू सेव और थ्री सेव। यहां पे फिर से एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं आखिरी बार, देखिए यहां पे तीनों रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो गए हैं। ये था मल्टीपल इंसर्ट का, लेकिन इसमें जो गलती है वो मैं क्या कर दिखाता हूं, ये स्टेटमेंट जो इंसर्ट का है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड फॉर द सेकंड रिकॉर्ड और फॉर द थर्ड रिकॉर्ड। अब ये क्या होगा, सर्वर में 3 बार रिक्वेस्ट पुटअप करेगा, इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट रिकॉर्ड, ये सही नहीं है। तो उसकी जो दूसरी मेथड है वो क्या है, वैल्यूज का जो अगर आप PHP में ध्यान से देखें, यहां पे मैं फिर से इंसर्ट करता हूं, वन यहां पे नहीं लिखता हूं लेकिन यहां पे कुछ जंक लिख देता हूं,
अब लास्ट में जो गो है वो उसे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो इंसर्ट का कोड है, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें क्या हुआ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कुछ भी है एक ही बार आया है, वैल्यूज एक ही बार आया है। लेकिन अब ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखें, तो ये सिलेक्शन पोर्शन फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ, ब्रैकेट टू ब्रैकेट दोनों रिकॉर्ड्स के बीच में। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं पॉइंटर जहां पे मैंने रखा है वो सेकंड रिकॉर्ड के अलग लिए हुआ, और फिर से ब्रैकेट टू ब्रैकेट हमारा सेकंड रिकॉर्ड हो गया। तो इसी सिंटेक्स को हम यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, कैसे, जो इंसर्ट का जो कुछ भी ब्लॉक है अप टू द वैल्यूज का, यहाँ पे मैं कट करके आउट ऑफ द लूप में लिख देता हूँ, डबल कोट कंप्लीट करके सेमी कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डॉलर एस डॉट इक्वल टू, और लास्ट में मैं यहाँ पे कॉमा ऐड कर देता हूँ। जो गलती है यहाँ पे एक डबल कोट स्टार्ट करने की है, अब हो गया। अब ये जो ब्लॉक है थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, आउट ऑफ द लूप, सिंपली इको डॉलर एस। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे मिलता है जो दिखाना है मुझे, वो मैं क्या दिखाता हूँ, वैल्यूज। ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ, कोमा के बाद ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड हुआ, कोमा के बाद ये थर्ड रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये थर्ड रिकॉर्ड में भी लास्ट में ये कॉलन रह जाता है, कोमा रह जाता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आफ्टर द लूप डॉलर एस इज इक्वल टू आर ट्रिम, और डॉलर एस जिसमें से मुझे रिमूव करना है, क्या रिमूव करवाना है, कोमा रिमूव करवाना है। फिर से रिफ्रेश, देखिए ये कोमा निकल गया, राइट हैंड साइड से मुझे जो कोमा निकालना था वो मैंने निकाल दिया है। अब ये ब्लॉक लूप में से निकल जाएगा और यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ये लूप में 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, अब ये एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे इंडिविजुअल जो मैसेज मिल रहे थे अब वो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स सेव्ड ऐसा मैसेज दिखा सकते हैं। फिर से मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, रिकॉर्ड्स सेव, और यहाँ पे अगर आप ब्राउज करके देखिए, देखिए वही 3 रिकॉर्ड्स मैंने रिफ्रेश किया था इसलिए अवेलेबल हो गए, क्योंकि वो मेमोरी में थे, ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इंसर्ट का जो क्वेरी का स्टेटमेंट था वो सर्वर में एक ही टाइम रिक्वेस्ट पुटअप करेगा फॉर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड, और एक ही बार में ये तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। ये सही मेथड है, जो फर्स्ट मेथड थी वो बिगिनर मेथड थी जो मैंने अभी बताई थी, ये सेकंड मेथड ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बारे में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम MySQL आई के बारे में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए, तभी मेरा वर्क जो है वो मानूंगा कि आपने अप्रिशिएट किया है, अच्छा लगा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम बात करेंगे MySQL आई के बारे में।